देखो भाई, जाना मैं किसी को नहीं कह सकता कौन गया कौन नहीं गया। बहुत से लोगों की मजबूरियां हैं, बहुत से लोगों की परेशानियां हैं, कारोबार हैं, मुकदमे हैं। हमारे पास वो वॉशिंग मशीन नहीं है जिससे लोगों के दाग धुल सके। भाजपा के पास है, वो अपनी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाजपा में कि अभी किसी को पूरे मंत्रालय ने यहाँ डेरा डाल रखा है रामपुर में, खुद मुख्यमंत्री भी आ रहा है, तो किस बात का उनको डर है इस बात में? मैंने अभी एक बात मीडिया चैनल में इस बात को कहा कि जिस तरीके की चुनाव आयोग की परिकल्पना कल सुप्रीम कोर्ट ने की है परसों, अगर उस तरीके का चुनाव आयोग होता तो शायद लोकसभा का उपचुनाव आसिम राजा साहब 2 लाख वोटों से जीत चुके होते। और आज भी अगर उसी परिकल्पना का चुनाव आयोग हो जाए तो आसिम राजा साहब 50,000 वोटों से रामपुर की सीट जीतेंगे। लेकिन आज आप देख लें, कोई थानागंज, थाना कोतवाली, सिविल लाइंस थाना और जो अधिकारी हैं पुलिस के, उनके मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा के चेक कर लें, लोगों को फ़ोन कर रहे हैं कि या तो भाजपा में शामिल हो जाओ या थाने में शामिल हो जाओ, एक जगह शामिल हो जाओ। तो कमज़ोर आदमी, गरीब आदमी तो मजबूर है, क्या करेगा। तो अक्सर नाराज़गियाँ मजबूरियों के बाद पैदा होती हैं। जो नाराज़गी है वो मजबूरी के बाद पैदा होती है, तो कहीं ना कहीं कोई मजबूरी रही हुई होगी। यूँ ही तो कोई बेवफा नहीं होता, तो मजबूरियां हैं सबकी। मशकूर साहब की भी मजबूरी है भाई। मैंने तो कहा कि वो बीडीसी का चुनाव हार गए, प्रधानी का चुनाव हार गए, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे को ज़िला पंचायत का टिकट दिया, ज़िला पंचायत मेंबर बनाया, फिर उनको MLC का टिकट दिया, इससे ज़्यादा तो। और उनको ये गलत फहमी है कि वो किसी वर्ग को या किसी गांव को रिप्रेजेंट करते हैं, ये उनकी गलत फहमी है। ये गलत फहमी उनकी 5 को दूर हो जाएगी। मैं एक जीती जागती मिसाल हूँ आपके सामने, जिसे किस कदर साजिशन फंसाया गया और जिसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, कहीं सुनवाई नहीं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। लेकिन मैंने कभी फैसलों के खिलाफ मुंह नहीं खोला, कभी नहीं कहा। लेकिन आज आपके सामने कह रहा हूं कि जितनी ज्यादती उस मामले में मेरे साथ हुई है शायद ही किसी की हिंदुस्तान के इतिहास में हुई। मैंने कहा, एक यहीं पर मीटिंग हो रही है, कि मैं अपने मालिक को हाजिर नाजिल जानकर कहता हूं कि जिस आरोप में मेरी विधायकी पिछली बार ली गई थी कि मेरी उम्र कम है, मैं अपने अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि जो उम्र मैंने बताई थी वही सही है। किसने सुनी मेरी, किसने सुनी, कौन सा दस्तावेज मेरा मान लिया। ठीक है, बहुत दुखियारे दिल के हैं, बहुत जुल्म ज्यादती हुई है हमारे साथ, ठीक है, जैसा है उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, आज बदल जाए। लेकिन मुझे याद है 2017 में जब समाजवादी की सरकार ख़त्म हो रही थी और इलेक्शन आने वाला था, तो अगर कोई आम आदमी भी किसी अधिकारी की शिकायत कर देता था तो चुनाव आयोग उसे फ़ौरन बदल देता था। लेकिन यहाँ एक मंडल में अधिकारी हैं जो 6 चुनाव करा चुके हैं, यहाँ पर 5 या 6 चुनाव, और हर स्तर पर उनकी शिकायत हो चुकी है, और वो इल्लीगल डिप्यूटेशन पर, गैर कानूनी तौर पर दूसरे राज्य से उनका कैडर चेंज करके उन्हें यहाँ रख रखा है गैर कानूनी तरीके से, लेकिन उन्हें नहीं हटा रहा कोई। चुनाव प्रचार प्रसार में किसी तरह के दुश्मन, आज आपने फ्लैग मार्च देखा था, कितने लोगों को उठाया मालूम है आपको, कितने घरों में घुसे हैं पता है, पता कीजिएगा। और मैं तो सारे चैनल से कहूँगा कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आप लोगों को आना चाहिए, हर चैनल अपनी 10-10 OB वैन भेजे रामपुर में, और वो OB वैन लाइव लगाई जाए ताकि पूरा देश देखे रामपुर में कैसे चुनाव हुआ था और कैसा चुनाव कराने की तैयारी है।